ब्रॉट टू यू बाय प्रोबो। ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। द एक्टिविटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, पार्टिसिपेट रिस्पॉन्सिबली। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में आज दोबारा इतिहास रच दिया है। मिक्स्ड शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है मनु ने, और उसके साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनु के पिता। सर पहले तो डबल बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी लगा कि आपने बधाई दे रहे हो और आप ये घर पे आके बधाई दे रहे हो, वो एक खुशी की बात है जी। परसों ब्रॉन्ज जीता उसने संडे को, आज ट्यूसडे को फिर से एक ब्रॉन्ज, और ओलंपिक में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ अभी गोल्ड बाकी है, अभी गोल्ड बाकी है। तीन इवेंट में हिस्सा लेना था, दो ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज का मलाल है या ब्रॉन्ज की खुशी है कि क्योंकि एक ये भी है कि देखिए मेडल मेडल होता है बहुत खुशी है, चुकना नहीं होता है, ये मेडल मेडल होता है बहुत खुशी होती है। ओलंपिक में पहुंचना ही हर बच्चे का सपना होता है, वो बहुत बड़ी बात है कि वो ओलंपिक में पहुंचे, पोडियम फिनिश किया, बहुत बड़ी बात है। और अभी क्या है कि हौसला बढ़ता जा रहा है तो शायद वो और अच्छा करेंगी। अच्छा जैसा कि अभी मनु की मदर बता रही थी कि मैच नहीं देखा, तो मैच ना देखना क्या किस तरह की कोई मैच जनरली हम नहीं देखते हैं, बस देखा नहीं जाता कि वो हार्ट बीट ऊपर नीचे होती रहती है, कभी शॉट अच्छा लगा कभी ख़राब लगा, कि शूटिंग में ना इंस्टेंटली रिजल्ट है तो हम थोड़े से नर्वस रहते हैं। हाँ तो देख नहीं पाते। तो सिर्फ नर्वसनेस वजह है या आपको ये लगता है कि कहीं देखेंगे तो कहीं परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना आए? परफॉर्मेंस पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, वो 400 क्या बोलते 5000 किलोमीटर दूर है, परफॉर्मेंस फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हमें अपने दिल से अच्छा नहीं लग रहा कि मनु करेगी, अच्छा ही करेगी। अच्छा सुबह से मनु से अभी तक कोई बात हुई पहले मैच के पहले या मैच के बाद? नहीं कोई बात नहीं हुई अभी तक। अभी फ़ोन ऑन कर रहा हूँ, ऑन करने से पहले मैं बेटी को बताने की कोशिश कर रहा था, वही नहीं हो पा रहा है। अभी जब मनु से बात होगी तो बातचीत में क्या कहने वाले हैं मनु? अभी मनु से बात ही नहीं होगी, शाम को 9 बजे आएगा उसका फ़ोन, क्योंकि हम वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, वो कर लेती है कोच का फ़ोन लेके, जब कोच और वो दोनों मिलते हैं और बात होती है तब वो फ़ोन करती है, नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं। तो अभी मनु कब लौटेगी, क्योंकि अभी एक मैच और है उसका, तो कब होने वाला है मैच और उसके लिए किस तरह की आपने तैयारी की है या किस तरह की विश मांगी है भगवान? भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हम भगवान से यही कहते हैं अपना आशीर्वाद बनाए रखो। अभी तक मनु ने, क्योंकि पहले टोक्यो ओलंपिक में भी गई थी लेकिन उस तरह की अचीवमेंट नहीं थी, इस बार दो ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में जीतना, तो क्या आप सोसाइटी में मनु के पिता के नाम से पहचाने जाएंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि सोसाइटी के, मैं तो पूरे देश में मनु भाकर के पापा के नाम से जाना जाता हूँ। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।